Hello everybody, welcome to my channel Huda Nizam Little Artist. So today I am going to talk in Hindi because I know English, Arabic well, but I know Hindi really well. So I'm going to talk in Hindi. So अब हम नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद हम नमाज मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं और मैं अब नमाज पढ़ने वाली हूँ. मेरी नमाज अब खत्म हो गई है और मैं अपना लंच कर रही हूँ. तो लंच में है खीमा और कड़ी, तो चलो खाते हैं. तो गाइस, ये है मेरा प्लांट. हाँ, ये मनी प्लांट है और ये इतनी मुश्किल की वजह से उगा है. ये भी मीन्स सूख जाने वाला था और बट हमने कोशिश की इसे उगाने को, बट ये उग रहा है. ये हमारी कोशिश सफल हुई. और जितने भी थे रोज़, ये रोज़ का प्लांट था, बहुत अच्छा था ये प्लांट, बट ये सूख गया गर्मी की वजह से. हमने प्लांट्स लिए थे शायद, हमने लिए थे प्लांट्स रियाद में और अभी भी हम रियाद में रहते हैं. हमने प्लांट्स लिए थे जून में और हम चले गए थे छुट्टियों मनाने इंडिया को और उस वक्त ये सूख गया. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. और ये भी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करते हैं कि प्लांट्स मोर उगाए. तो मैं आपको हमारे न्यू प्लांट्स बताती हूँ. प्लांट्स हैं जो हम उगाने वाले हैं, ये हमारे न्यू प्लांट्स जो हम उगाने वाले हैं. इसमें है कोथमीर, पुदीना और शायद टमाटो भी हो सकता है. और इसमें आई डोंट नो, ये कौन सा प्लांट है, बस कुछ ज़्यादा ही वियर्ड है. तो चलो मैं आपको बहुत चलो कोई मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें दिखाती हूँ जो मेरे चैनल से बहुत ज़्यादा रिलेटेड. सो ये देखिए, ये हमारे मेरी ये पेंटिंग्स है, पूरे जितने भी मैंने बनाए हैं. ये इस पर 2.4 के आए थे और ये भी, ये मैंने कल बनाई थी. देखिए ज़रूर और सब्सक्राइब भी करिए. ये देखिए अकेडमी है जो अभी नहीं आई है और एक पेट कैट है, स्ट्रीट पे रहती है, बट हमने उसे पेट बना लिया है, बट हम उसे रखना नहीं चाहते अंदर. पढ़ाई करना है क्योंकि मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं 7 दिन बाद. तो गाइस अब मुझे पढ़ाई करना है, तो लेट्स गो. मैं फोर्थ क्लास में हूँ और मेरे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके बाद मैं चली जाऊँगी फिफ्थ क्लास में. और मेरी बिग सिस्टर है सिक्स्थ में, वो चली जाएंगी 7th में. और ये है मेरा पाउच, देखो इसके अंदर का मैं आपको कैसे बताऊँ. मैं सोच रही हूँ, हाँ बता सकती हूँ, बट माइक के बिना या माइक पहन लूँ, पहन देती हूँ माइक. पहनूँ कैसा, कैसा पहनू क्या? हाँ तो मैं आपको अपना पाउच बता रही हूँ. अब मेरा पाउच ऐसा है, मेरा पाउच ऐसे दिखता है दिखने में और अंदर से ये नॉर्मल पाउच के जैसा ही है. ये है स्पार्क, ये पर्पल वाला स्पार्कल हाइलाइटर और ये ब्लू हाइलाइटर स्पार्कल वाला. और एक स्केच पेन है, नॉर्मल सा स्केच पेन. और ये एक वो पेन आता है ना, मैंने इंडिया से खरीदा. और मैं आपको बोलना भूल ही गई, मैं हैदराबाद से हूँ इंडिया में, बट मैं इंडिया की हूँ. चलिए चलिए पेन को रख देती हूँ. उसके बाद पूरे हर चीज़ नॉर्मल ही है, एक ब्लैक पेन और एक नॉर्मल सा ये गोल्डन गोल्डन स्पार्कल वाला पेन, जेल पेन है वो. और ये यूनिबॉल का ब्लू पेन और ब्लैक पेन है. और ये जितने भी पेंसिल्स है यहाँ है. और पीछे है एक स्केल. और गाइस और मेरी पेंटिंग से रिलेटेड मेरा ये बुकमार्क जिसके पीछे मैंने सॉरी अब मुझे नमाज पढ़ना है, मगरिब की, मगरिब हुई है अभी. तो लेट्स गो. सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर और कमेंट ज़रूर करना.
इस बार मैं तो कमेंट्स कोशिश कर मीन्स ओपन करूँगी, कोशिश करती हूँ ओपन करने के लिए। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैं और कौन से व्लॉग्स बनाऊँ, और प्रैंक भी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं कर सकते। एग्ज़ाम्स तक मैं वीडियो नहीं बना सकती हूँ क्योंकि एग्ज़ाम्स है यार, एग्ज़ाम्स है। तो मैं रमज़ान में डेली व्लॉगिंग करूँगी क्योंकि रमज़ान आने वाला है और मैं छुट्टियाँ हुई। तो चलो देखते हैं मेरी कैट आई का नहीं। तो गाइस अभी थोड़ी देर पहले गाइस मेरी कैट अब तक नहीं आई, आएगी ज़रूर। और चलो जब अब तक बैठ ही जाती हूँ, बट अब हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और शायद मैं कल व्लॉग सुबह से लेकर रात तक रखूंगी। तो बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड